भाई आप सभी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर इंडियन नेवी फायरमैन ड्राइवर एमटीएस ट्रेड्समैन पेस्ट कंट्रोल वर्कर चार्जमैन में टोटल फॉर्म जो है कितने भरे गए हैं। आप सभी को पता है कुल मिला के जो है 3,50,000 प्लस जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं सभी पोस्ट के। लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको फायरमैन ड्राइवर के जो है कैटेगरी वाइज फॉर्म बताने वाला हूँ कि जनरल कैटेगरी में कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ओबीसी के अंदर कितने अप्लाई हुए हैं, एससी एसटी के अंदर कितने अप्लाई हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर कितने अप्लाई हुए हैं। तो इससे आपको जो है अपनी पोस्ट के लिए कंपटीशन का पता लग जाएगा और ये बिल्कुल ऑफिशियल जेन्युइन डाटा है दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा ही जो है ये डाटा प्रोवाइड किया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है भाई। और अगर आप भी जो है इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो भाई बिल्कुल एग्जाम टाइप के आपके लिए 15 ऑनलाइन टेस्ट मैंने तैयार कर दिए हैं, इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है, लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो दोस्तों, फुल मॉक है भाई। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के आंसर की इसको कंपाइल करके उनका डिटेल सॉल्यूशन ऐड करके डाला गया है भाई, दोनों ही इंडियन रोजगार ऐप पर अवेलेबल है। और आप सभी को 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरे कूपन कोड नेवी 50 का यूज करते हो भाई, नेवी 50 कूपन कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो इंडियन रोजगार, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो भाई ऐप को इंडियन रोजगार। जल्दी जल्दी से जाओ दोस्तों और ट्राई करो भाई, आप अपनी रैंक देखो, बेहतरीन जो है क्वेश्चन के साथ जो है ये कंटेंट तैयार किया गया है। सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये एक आरटीए रिप्लाई है भाई जो कि इंडियन नेवी की तरफ से सेंड किया गया है। यहां पर अगर हम बात करें भाई, देखो इन्होंने जो है पूछा था कि फायर इंजन ड्राइवर में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है कितने अप्लाई हुए। देखो भाई फायर इंजन ड्राइवर, तो फायर इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पे अनरिजर्व्ड के 4,027, ओबीसी के जो है 7,247, उसके बाद अगर हम बात करें भाई एससी की तो 2,942, एसटी की अगर हम बात करें 1,329 और ईडब्ल्यूएस के जो है 1,111 जो है फॉर्म अप्लाई हुए हैं। टोटल फॉर्म की अगर हम बात करें तो 16,656 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है भाई, किसके लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए। ठीक है, किसके लिए, फायर इंजन ड्राइवर के लिए। मैं आपके लिए लिख देता हूं भाई, फायर इंजन ड्राइवर में कुल मिला के 16,656 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है भाई हर कैटेगरी के। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें भाई दूसरी पोस्ट की तो यहां पर आप अगर हम बात करें भाई फायरमैन की तो ये फायरमैन का डाटा है। फायरमैन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा 444 वैकेंसीज हैं दोस्तों फायरमैन की। यहां पे अगर हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 20,496, मैं यहां पे लिख भी देता हूं 20,496 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ओबीसी में अप्लाई किया है भाई 25,604, एससी की अगर हम बात करें 11,508, इसके बाद अगर हम बात करें भाई एसटी की तो 10,021, अगर हम बात करें भाई ईडब्ल्यूएस की तो 4,635, और अगर हम बात करें भाई टोटल फॉर्म की तो टोटल 71,994 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है भाई फायरमैन के लिए। ठीक है, फायरमैन में दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है। अगर हम बात करें भाई सबसे कम कंपटीशन की तो सबसे कम कंपटीशन आपका फायरमैन के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट की, आप 72,000 मान लो कि 72,000 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और जो टोटल वैकेंसी है वो 444 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है भाई, 444 से अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी लगभग 162 जो है पर सीट पर कंपटीशन है दोस्तों। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे जिनके किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट से भाई उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन बाद में जो है उनके सर्टिफिकेट अमान्य कर दिए जाए, बहुत सारे फिजिकल में रहेंगे, तो यहाँ पे भाई कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है अगर हम और पोस्ट से कंपेयर करें तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाई, देखो 25,000 थे दोस्तों अभी हमने बात करी थी, लगभग जो है 17,000 मान लो भाई, 17,000 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था किसके लिए। अब ओवरऑल अगर हम बात करें फायरमैन ड्राइवर प्लस फायरमैन की, ठीक है, ड्राइवर और फायरमैन की अगर हम बात करें 444 वैकेंसी थी, ड्राइवर की 58 वैकेंसी थी, तो इन दोनों के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है भाई टोटल आप मान के चलो भाई 72,000 तो इसके हो गए 18,000, अगर हम फिर भी माने तो 18,000 नंबर ऑफ कैंडिडेट किसने ड्राइवर में अप्लाई कर दिए, तो अगर हम बात करें 72,000 ये और 18,000 ये, तो टोटल मिला के भाई 90,000 जो है कैंडिडेट तो किसके हैं यहाँ पे, ड्राइवर और फायरमैन के हैं। इसके बाद जो बाकी के कैंडिडेट बचे भाई लगभग ये लगा लो कि 1,60,000 के लगभग जो कैंडिडेट बचे हैं वो किसके हैं, वो सभी पोस्ट के मिला के हैं, जिसके अंदर भाई एमटीएस भी आता है, जिसके अंदर आपका जो है चार्जमैन भी आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका पेस्ट कंट्रोल वर्कर आ गया,
ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वर्कर आ गया भाई, और भी ड्राफ्ट्समैन वगैरह आ गए, ये सारी पोस्ट पर आ गए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट भाई अगर हम बात करें तो एमटीएस के अंदर रहने वाले हैं, उसके बाद चार्जमैन के अंदर और फिर पेस्ट कंट्रोल वर्कर के अंदर। तो ये जो है ओवरऑल डाटा है दोस्तों। बाकी जैसे ही जो है एमटीएस और जो है चार्जमैन ड्राफ्ट्समैन वगैरह का डाटा आ जाएगा मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर करिएगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें भाई, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और भाई एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, वो भी जो है हम बता देंगे आप सभी को। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ भाई, अपनी रैंक दूसरों के साथ कंपेयर करते रहो ताकि आप जो है कंपटीशन के अंदर बने रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।